मदर कोलाइड्स के गुणों के। मदर कोलाइड्स के गुण क्या क्या है और इस जो पार्ट थर्ड है इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें के बारे में पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में मैं बता देता हूँ। कि जो मृदा कोलाइड्स के गुण है, मृदा कोलाइड्स के गुणों के अंतर्गत हम ससंजन व आसंजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सुगठ्यता के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्णिक पिंडन व विऊर्णिक पिंडन मृदा कोलाइडों का एक गुण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में फैलाव व संकुचन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा कोलाइड्स के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मृदा कोलाइडों के गुणों के बारे में। तो गुण में क्या क्या है हमारे पास में, सबसे पहले आता है ससंजन व आसंजन का गुण। ससंजन व आसंजन के गुण के बाद पढ़ेंगे हम सुगठ्यता के बारे में। सुगठ्यता के बाद पढ़ेंगे हम ऊर्णिक पिंडन व विऊर्णिक पिंडन। मृदा कोलाइडों का गुण होता है ये, मृदा कोलाइडों के जो पिंडन होते हैं उन्हीं का गुण है ऊर्णिक पिंडन व विऊर्णिक पिंडन। उसके बाद में पढ़ेंगे हम फैलाव व संकुचन के बारे में। फैलाव का गुण क्या होता है, संकुचन का गुण क्या होता है। तो मृदा कोलाइड के गुणों की बात कर रहे हैं, वैसे तो जो मृदा कोलाइड के गुण होते हैं सामान्यतः कोलाइडों के गुणों के समान ही होते हैं, लेकिन कुछ विशेष गुण हैं जो कोलाइड के गुणों के अलावा होते हैं। उसमें पहला गुण आता है ससंजन व आसंजन का। ससंजन व आसंजन क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मृदा कोलाइडों में। ससंजन व आसंजन का गुण पाया जाता है। अब ये ससंजन क्या होता है और आसंजन क्या होता है, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ससंजन क्या है। ससंजन किसे कहेंगे, ध्यान दीजिए, ससंजन होता है कोई भी समान गुणों वाले अणु है, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को ही हम क्या कहते हैं, ससंजन कहते हैं। कोई भी अणु है हमारे पास में समान गुणों वाला अणु है, उस अणु के समान गुणों वाले अणु के मध्य में जो आकर्षण बल कार्य करता है वो आकर्षण बल क्या कहलाता है, ससंजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि ससंजन का एग्जाम्पल क्या है, जल के दो अणुओं के मध्य, जल के दो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वो ससंजन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ससंजन बल समझ में आया होगा। ससंजन बल क्या है, दो अणुओं के मध्य दो समान गुणों वाले अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ससंजन समझ में आया होगा। एग्जाम्पल है जल के दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। उसके बाद आता है दूसरा आसंजन। आसंजन किसे कहेंगे, तो आसंजन की परिभाषा क्या होगी, भाई दो कोई भी विपरीत गुणों वाले अणु हैं या फिर आयन्स हैं या कण बोल सकते हैं, उनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वो आसंजन कहलाता है। दो विपरीत गुणों वाले, विपरीत गुणों वाले अणुओं के मध्य या कणों के मध्य या फिर आयन्स के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को हम क्या कहते हैं, आसंजन कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि आसंजन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल की बात करें कोई
पाठ में पढ़ा था हमने विषमांगता के बारे में, तो विषमांगता से मतलब है कि दो अलग अलग प्रावस्थाएं हैं पाई जाती है कोलाइड्स के अंदर, जैसे जिनको हमने बोला था अपकीर्ण प्रावस्था या फिर अपकीर्ण माध्यम के बारे में। तो दो विपरीत प्रावस्था क्या हो सकती है, तो यदि एक प्रावस्था हमारे पास ठोस अवस्था में है और दूसरी प्रावस्था द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में है, उनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, आसंजन का एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, दो विपरीत प्रावस्थाओं या फिर दो अलग अलग प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण, ये है एग्जाम्पल आसंजन। उम्मीद करता हूँ सेशन में जो है आसंजन आपको समझ में आया होगा। मृदा कोलाइड्स के मृदा कोलाइड्स का प्रथम गुण है, मृदा कोलाइड्स में सेशन में आसंजन का गुण पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर दो गुण आता है हमारे पास में सुगठ्यता का। तो सुगठ्यता के गुण की अगर हम बात करें तो सुगठ्यता का गुण है सुगठ्यता होती क्या है, तो सुगठ्यता के बारे में बात करेंगे। तो सुगठ्यता का गुण कौन सी मृदा कोलाइड्स के अंतर्गत पाया जाता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सुगठ्यता का गुण पाया जाता है वो सिलिकेट मृदिका के अंदर पाया जाता है। मृदिका को हम क्ले भी बोलते हैं, पिछले पार्ट में बता सकता हूँ आपको। तो जो सुगठ्यता का गुण पाया जा रहा है वो कौन सी मृदिकाओं में पाया जा रहा है, सिलिकेट मृदिका के अंदर पाया जाता है, जिसको मृदिका को हम क्ले भी बोलते हैं। उसके बाद में सुगठ्यता होती क्या है, तो सुगठ्यता के बारे में बात करें कि भाई मृदा के ऊपर हम बल लगाएं, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं दबाव वगैरह डाल रहे हैं, तो मृदा की जो अवस्था है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। दबाव लगाने पर मृदा की अवस्था क्या हो जाए, बदल जाए। तो जैसे ही हम उस बल को हटा लें, हटाने के बाद मृदा वापस से उसी अवस्था में आ जाए वो क्या कहलाती है, सुगठ्यता कहलाती है। तो सिलिकेट मृदिका के अंदर सुगठ्यता का गुण देखने को मिलता है। मृदा के अंदर यदि या मृदा के ऊपर बल लगाते हैं तो वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, और जैसे ही हम उस बल को हटाते हैं तो मृदिका या सिलिकेट मृदिका है वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। अब जो सुगठ्यता का गुण पाया जाता है, सुगठ्यता का जो गुण सर्वाधिक पाया जाता है वो मांट मोबिलो का एक समूह में पाया जाता है, मांट मोबिलो नाइट समूह। और उसके बाद जो सबसे कम गुण पाया जाता है मध्यम की अगर हम बात करें तो पाया जा रहा है सुगठ्यता का गुण सर्वाधिक मात्रा में मांट मोबिलो नाइट समूह में। उसके बाद में कम मात्रा में पाया जाएगा केओलिनाइट समूह, कम मात्रा में गुण किसमें पाया जा रहा है, केओलिनाइट समूह। अब ये मांट मोबिलो नाइट समूह क्या है, केओलिनाइट समूह क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे मृदा कोलाइडों के प्रकार। तो उम्मीद करता हूँ सुगठ्यता का गुण समझ में आया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में उल्नी पिंडल व विउल्नी पिंडल। उल्नी पिंडल क्या है, विउल्नी पिंडल क्या है, उल्नी पिंडल व विउल्नी पिंडल की अगर हम बात करें कि उल्नी पिंडल क्या होता है और विउल्नी पिंडल क्या होता है, उल्नी पिंडल व विउल्नी पिंडल, उल्नी पिंडल व विउल्नी पिंडल की हम बात करें तो मृदिका के जो कण है, मृदिका के कणों पर हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है, और नेगेटिव चार्ज पाए जाने के कारण यानी कि आवेश पाया जा रहा है, आवेश पाए जाने के कारण जो मृदिका के कण है ये विलयन में निलंबन अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं दोस्तों, निलंबन अवस्था में रहते हैं,
तीन भागों में बांटा जाता है, एक होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलोइड विलयन और तीसरा होता है निलंबन। उनके बारे में जो वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन या फिर कोलोइड विलयन या फिर जो निलंबन है, इनको कणों के आकार के आधार पर जो परिभाषित किया जाता है। वास्तविक विलयन होता है समांगी प्रकार का विलयन होता है, यानी कि इसमें जो विलेय पदार्थ होता है उसके जो कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से कम होता है। विलेय वास्तविक विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम का होता है, और इन कणों को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। कोलोइड विलयन के बारे में पार्ट फर्स्ट में हम चर्चा कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप कोलोइड विलयन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो पार्ट तक देख सकते हैं। उसके बाद निलंबन की बात करें, निलंबन का जो विलयन होता है वो विषमांगी विलयन होता है। विषमांगी विलयन आप सब जानते हैं, पार्ट फर्स्ट में बात की थी हमने विषमांगी विलयन के बारे में, सॉरी पार्ट सेकंड में। उसके बाद में निलंबन का जो विलयन है उसमें जो कणों का आकार होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है, इन कणों को हम सामान्यतः नग्न आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं और साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देख सकते हैं। तो घूर्णिमंडन विमंडन की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं मृतिका के जो कण है उनके ऊपर क्या पाया जा रहा है, आवेश पाया जा रहा है। आवेश पाए जाने के कारण जो कोलाइडिक कण होते हैं वो निलंबन अवस्था में रहते हैं। यदि हम इस निलंबन में थोड़ी सी मात्रा में वैद्युत अपघट्य डाल दें, क्या डाल दें, वैद्युत अपघट्य डाल दें, तो वैद्युत अपघट्य डालने पर क्या होता है, या तो जो निलंबन था या सोल्यूशन था उसका आवेश समाप्त हो जाता है, या फिर उनका जो आवेश की जो मात्रा है कम हो जाती है। और आवेश की मात्रा कम होने के कारण जो कोलाइडी कण थे वो आवेशित नहीं होने के कारण, यानी कि उनका आवेश कम होने के कारण एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, और इसी समुच्चय को हम घूर्णिमंडन कहते हैं। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि भाई जो मृदा कोलाइड के कण है उनमें वैद्युत अपघट्य डालने पर कणों का एक ग्रुप के रूप में एकत्रित होना ही घूर्णिमंडन कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम विघूर्णिमंडन की। तो विघूर्णिमंडन किसे कहेंगे, कोई जो समूह बना था घूर्णिमंडन के दौरान उस समूह का वापस से छोटे छोटे कणों में टूट जाना या फिर कणों का वापस से दूर हट जाना ही क्या कहलाता है, विघूर्णिमंडन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको घूर्णिमंडन में विघूर्णिमंडन समझ में आया होगा। उसके बाद में लास्ट जो आता है हमारे पास में फैला हुआ संकुचन का। फैला हुआ संकुचन क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फैलाव क्या है, संकुचन क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि मृदा है या मृतिका है, मृदा को यदि हम जल के संपर्क में रखते हैं तो जल के संपर्क में रखने पर क्या होता है कि मृदा जल को सोख लेती है, सोख लेने के कारण उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और आयतन में हुई वृद्धि के कारण मृदा में क्या उत्पन्न होता है, फैलाव उत्पन्न होता है। तो यही मृदा कोलोइड के अंदर पाया जाता है। फैलाव की बात कर रहे हैं कि मृदिका के कण है या फिर मृदा को जल के संपर्क में रखने पर मृदा जल को सोख कर आयतन में वृद्धि कर लेती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फैलाव कहते हैं। उसके बाद में आता है संकुचन। संकुचन किसे कहेंगे, तो संकुचन की अगर हम बात करें, मृदा जैसे ही मृदा के अंदर जल सूखेगा, वाष्पीकृत होकर के जल बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के कारण मृदा में क्या होगी, आयतन में कमी होगी, यानी कि मृदा के अंदर सिकुड़न उत्पन्न होगी। और सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण मृदा के आयतन में कमी होगी, कमी होने को ही हम क्या बोलते हैं, संकुचन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई फैलाव संकुचन आपको समझ में आया होगा। तो
मृदा कोलाइड्स के गुणों के बारे में चर्चा की हमने, मृदा कोलाइड्स के गुण क्या क्या है, ससंजन व आसंजन के गुण के बारे में चर्चा की, सुगठनता के गुण के बारे में चर्चा की, उर्णी पिंडन व द्विउर्णी पिंडन के बारे में जाना, उसके बाद में हमने फैलाव व संकुचन के बारे में बात की। उसके बाद में बात करते हैं हम अगली नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास में मृदा कोलाइडों के प्रकार। तो मृदा कोलाइडों के प्रकार की अगर हम बात करें, मृदा कोलाइडों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मृदा कोलाइड्स के प्रकार दो प्रकार बांटा गया है मृदा कोलाइडों को। पहला भाग है अकार्बनिक मृदा कोलाइड, दूसरा जो पार्ट है वो है कार्बनिक मृदा कोलाइड। उसके बाद में जो अकार्बनिक मृदा कोलाइड है, अकार्बनिक मृदा कोलाइड को वापस से दो भागों में बांटा गया है। एक तो आता है सिलिकेट क्ले या फिर सिलिकेट मृदिका बोलते हैं, और दूसरा बांटा गया है आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में जो सिलिकेट क्ले है, सिलिकेट क्ले को वापस से बांटा गया है, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, तीन समूहों में बांटा गया है। तीन समूह कौन कौन से हैं? पहला आता है हमारे पास में केओलिनाइट समूह, दूसरा आता है मॉन्टमोरिलोनाइट समूह, और तीसरा आता है हमारे पास में इलाइट या हाइड्रस माइका समूह। उसके बाद में जो कार्बनिक मृदा कोलाइड है, कार्बनिक मृदा कोलाइड में आता है ह्यूमस। तो मृदा कोलाइड्स के वर्गीकरण, मृदा कोलाइड्स का वर्गीकरण समझ में आया होगा। मृदा कोलाइड्स को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक मृदा कोलाइड्स, कार्बनिक मृदा कोलाइड्स। अकार्बनिक मृदा कोलाइड को वापस से दो भागों में सिलिकेट क्ले और दूसरा है आयरन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में सिलिकेट क्ले को तीन भागों में केओलिनाइट समूह, मॉन्टमोरिलोनाइट समूह और इलाइट या हाइड्रस माइका समूह। और कार्बनिक मृदा कोलाइडों को तीन भागों में बांटा गया है, सॉरी कार्बनिक मृदा कोलाइडों को एक भाग में बांटा गया है ह्यूमस के बाद। तो इन सब के बारे में हम मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।